आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बाद आप सोचोगे ज़रूर कि इतने साल हम जिम गए, हासिल क्या हुआ? कुछ मिला नहीं ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्ट्रेंथ की, ताकत की। आप किसी भी स्पोर्ट्स को ले लो, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग, किसी भी स्पोर्ट्स, किसी भी फॉर्मेट को उठा के देख लो या फिर जिम जाना ही। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मायने रखती है किसी भी स्पोर्ट्स में वो होती है स्ट्रेंथ। सेम आप अगर जिम जाते हैं और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो रहा, तो आपका वो एक घंटा दो घंटा जो पसीना बहाना है ना, वो किसी काम का नहीं है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं, आप ये 160 170 एक हाथ से कैसे उठा लेते हो डेडलिफ्ट? या मेरी उम्र रही होगी 23-24 साल जब मैंने 17 इंच का बाइसेप अचीव कर लिया था, और जब मैंने अपने वर्कआउट स्टार्ट करा था तब मेरा वजन था 58 kg, और 84 kg को 4 साल में लेकर आए थे 84 kg, और मस्कुलर बॉडी के साथ। तो ये सब नेचुरली कैसे हासिल कर लिया? और आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे। जब हम अपने टाइम पे वर्कआउट करते थे तो ये कोई ऐसे फैंसी जिम या इक्विपमेंट्स, एसी, पंखे, ये सब कुछ नहीं हुआ करते थे, है ना। वहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ लोहा रहता था, और उसी लोहे से खेल कर इस तरह की फिजिक, इस तरह की स्ट्रेंथ अचीव करी। और आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो उसी मुद्दे पर है कि आप एक्चुअल जो वर्कआउट है वो नहीं करते, कुछ और कर रहे हैं जिससे आपको कुछ मिल नहीं रहा। आजकल के बच्चे जिम जाते हैं, डेढ़ घंटा दो घंटा जिम में रहते हैं। आप टाइम नोट कर लेना, अगर आप 30 मिनट से ऊपर भी वर्कआउट करते हो, वो वर्कआउट भी आप कैसे कर रहे हो, आपने शोल्डर ट्रैप स्ट्रैप बांध लिया, आपने रिस्ट बैंड बांध लिया, बेल्ट बांध लिया, दुनिया भर के सारे गैजेट्स आपने खरीद लिए, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, इंट्रा वर्कआउट, और ये सब करने के बाद आप आधा घंटा मुश्किल से वर्कआउट करते होगे, और फिर आप स्टेटस डालते हो कि इंटेंस ट्रेनिंग। हाँ, अब आप खुद नोटिस कर लो कि आपकी ताकत बढ़ रही है, कोई बॉडी बन रही है, कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पर अपन मुद्दे पर आते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से या फिर कोई यूट्यूब से कोई वीडियो ऐसी फैंसी वर्कआउट की देखकर ना खुद मैंने कभी करी, और ना ही मैंने कभी भी अपने क्लाइंट्स को ऐसा कराया। 40 प्लस ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ, 30 प्लस ऑफलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ, और जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उन सबको मैं बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल पे एक्सरसाइज करवाता हूँ। जो भी आपका बेस है उस बेस को स्ट्रॉन्ग करो, कंपाउंड ट्रेनिंग्स पे ध्यान दो, वो चीज़ जो आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करती हैं, ना कि आपको सिर्फ पंप देती हैं। और वो पंप कितना रहेगा? एक घंटा दो घंटा जब तक आप वर्कआउट करते हो पंप रहता है, उसके बाद कोई स्ट्रेंथ नहीं है। और 13 साल हम इस इंडस्ट्री में कवर कर चुके हैं, और हम लोग 13 साल में मैंने कभी भी फिटनेस की, बॉडी बिल्डिंग की डेफिनेशन को चेंज करने की कोशिश नहीं की है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है आपकी स्ट्रेंथ। जब आप यहाँ पर लोहा उठाते हो आपके मसल बनते हैं, आप जो खाते हो वैसा दिखते हो, यही एक बेसिक सी डेफिनेशन है, इसको मैं कभी चेंज नहीं करता हूँ। यही वजह है कि 13 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं और हमने FMC ने एक अलग ही पहचान बनाई है। और ना जाने कितने ऐसे क्लाइंट्स हैं, मैं अपनी जिम की आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारी जिम के तो जो लड़कियाँ गर्ल्स आती हैं वो 130 140 150 के डेडलिफ्ट मार देती हैं। उन लोगों के दिमाग में कोई डर नहीं है कि कोई डेडलिफ्ट मारेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, जो कि लोगों के दिमाग में भरा रहता है। और लड़के 200-220 से प्रैक्टिस करते हैं डेडलिफ्ट की। तो क्या करना है? वर्कआउट बहुत सिंपल रखना है, हमें बीस्ट बनना है, बीस्ट। और बीस्ट में ऐसे कोई शारीरिक बीस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर से बीस्ट बनना है, ताकत अंदर से होना चाहिए, ताकि वो वक्त आने पर आपकी जान भी बचाए और वक्त आने पर वो आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको भी बूस्ट करे। और ये जो वीडियो का टाइटल था ना कि ताकत है तो इज्जत है, ये बात बिल्कुल सही है। एक बार अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करके देखो, मार के देखो 150-200 किलो की डेडलिफ्ट, देखो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है, पता चलेगा तुमको। इस वीडियो का मैं Part 2 अपलोड करूंगा, जिसमें बताऊंगा कि एक्चुअल में मैं किन एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूं जो आप लोग बिल्कुल जिम में नहीं करते, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी, और वही स्ट्रेंथ आपका मसल गेन कराएगा, फैट लॉस कराएगा, वेट लॉस कराएगा, आपके शरीर को शेप देगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और स्ट्रेंथ हर जगह काम आएगी, आपकी बीमारी से लड़ने से लेकर आपके दिखने तक स्ट्रेंथ काम आएगी। नेक्स्ट टाइम जब जिम जाएं तो एक घंटा आपको अपनी स्ट्रेंथ पर देना, और ध्यान रखना ये प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, दुनिया भर के गैजेट्स डालकर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो किसी काम का नहीं, अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दें। सेफ्टी गैजेट्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले उस लायक बनो कि उसकी ज़रूरत पड़े। आप अभी 10-12 kg के डंबल पे हो, आप 50-60 kg की डेडलिफ्ट मार रहे हो, आप खुद सोचो अगर आप एक साल वर्कआउट कर चुके हो और आपकी डेडलिफ्ट 150 kg की प्रॉपर फॉर्म में नहीं आ रही, तो आप कुछ नहीं कर रहे। सो ध्यान दो,
अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मैं कल या परसों में वो वीडियो अपलोड करूंगा कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। थैंक यू सो मच।